नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुमारी शैलजा ने बीजेपी के 21 उम्मीदवार की घोषणा को लेकर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस में जीतने वाले प्रत्याशी को देंगे टिकट। जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और सह प्रभारी विजय जांगिड़ पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रहे हैं और जांजगीर चांपा लोकसभा सीट के 8 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। वहीं भाजपा से 21 सीटों में अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। बीजेपी के प्रत्याशी घोषणा की कुमारी शैलजा ने नए चेहरे को चुनावी मैदान में उतरने के मामले में कहा कि बीजेपी के लोग पिछले चुनाव में हार के बाद थके हारे हुए हैं और नए चेहरे को टिकट देना उनकी मजबूरी है। कांग्रेस चुनाव कमेटी की एक बैठक में 31 अगस्त तक दावेदारों की सूची मिल जाएगी, जिसमें सभी वर्ग को देखते हुए जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा और शीघ्र ही चुनावी घोषणा पत्र समिति के द्वारा घोषणा पत्र जारी कर दिया जाएगा। कुमारी शैलजा दोपहर 1 बजे से 8 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा कर रही हैं। अभी भी पामगढ़, अकलतरा और जांजगीर चांपा विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों से चर्चा होना बाकी है। ये बैठक देर रात तक चलने की संभावना जताई जा रही है, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कोरबा के लिए रवाना हो जाएंगे। भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी, अभी मालूम पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ सीटों पर फैसला किया है, तो उनका अपना सिस्टम होता है, हमारा अपना है और हमारी बातचीत हर लेवल पर चलती है। हमारे पर्यवेक्षक होते हैं, एजेंसीज का होता है, आपस में हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण सब इसका हिस्सा बनते हैं और फिर जाकर हमारे यहाँ टिकट का वितरण होता है। हमारा यही प्रयास रहता है कि निष्ठावान और जीतने वाले लोगों को टिकट मिले, उसमें अनुभवी लोग भी हों, ऊर्जावान हों, नौजवान हों, महिलाएं हों, हर प्रकार से हमारा प्रयास है कि फिर उसके अलावा जो सामाजिक समीकरण हैं उन्हें देखते हुए वो भी एक संतुलन बनाना होता है। तो कई चीज़ें देखकर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार भी बहुत अच्छे ढंग से दिया, जो कि हमारी 68 सीटें आई थी फिर 71 हुई। इस बार हम और बेहतर, बल्कि बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद और विश्वास रखते हैं। नए प्रत्याशी में किस तरह का प्रत्याशी चयन हो सकता है? कास्टर के भी बीजेपी ने जो जारी किया उसमें नए नामों पर ज़्यादा चर्चा। भारतीय जनता पार्टी तो बुरी तरह से पिछली बार हार कर अब वो देख रहे हैं, उनका अपना जो भी वो कर रहे हैं करेंगे। मेन बात ये भी है कि उनके जितने चेहरे थके हारे सब देखा आपने पिछली बार क्या हश्र हुआ उनका, तो उन्हें तो नए ढूंढना उनके लिए स्वाभाविक बात है। अभी मीटिंग चल रही है आप लोग की, अभी किस तरह की मीटिंग बाकी है और क्या नहीं? हम जैसे हर संसदीय क्षेत्र में कर रहे हैं और संसदीय क्षेत्र के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के चुनिंदा लोगों से हम बात कर रहे हैं, जैसे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे पार्टी के पदाधिकारी हैं एक स्तर के, तो उन सब से बात कर रहे हैं। समय लग जाता है लेकिन करेंगे बात तो कर रहे हैं। आप लोग कब तक जारी कर सकते हैं अपना प्रत्याशी का लिस्ट? और देखिए 31 तारीख तक तो हमारा जो स्टेट का है, जैसे ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश में आखिरी तारीख हमने की है कि 31 को जमा किए जाएंगे सारे कागज़, बायोडाटा जो भी प्रस्ताव हैं वो सब हो जाएंगे। वैसे हम एक मीटिंग, आपको मालूम ही है, एक मीटिंग हम कर चुके हैं प्रदेश चुनाव समिति की और फिर आगे भी हम करेंगे और प्रयास होगा कि सबसे चर्चा करके जल्द ही निकाल लें। घोषणा पत्र आप लोग का कब जारी होगा? खासकर के जब सरकार में है तो अभी हमारी जल्दी ही समितियां बन जाएंगी और उसके बाद उसका काम भी शुरू हो जाएगा।